वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द सेल। हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो फर्स्ट हमारे पास जो सेल चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस सेल को जो है वो किन साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले आपको उन्होंने सेल की डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बॉडी का और ये जो है वो लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को अपने अंदर रखता है। यानी एक सेल के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, वो तमाम मटेरियल मौजूद होता है जो लाइफ को इवॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह सेल जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। उसके बाद है कि इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी जो है वो किस तरह इमर्ज हुई, किस तरह जो है वो उसको डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की स्टडी को जो है वो स्टार्ट किया था। रॉबर्ट हुक ने ये काम जो है वो 1665 में जो है वो स्टार्ट किया था और अपना इन्होंने काम जो है वो अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर पब्लिश किया था। उन्होंने बताया था कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है। अब उन्होंने कैसे जो है वो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने जो है वो स्टडी किया था कॉर्क के थिन सेक्शन को। अब कॉर्क जो है ये प्लांट का पार्ट है, प्लांट के अंदर जो है वो कॉर्क मौजूद होता है। तो प्लांट के कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है, जो कि उनकी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी, उसके अंदर उन्होंने जो है वो कॉर्क को स्टडी किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क जो है वो एक हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट जो है वो रखता है। यानी जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल वैसे कंपार्टमेंट्स जो है वो इस कॉर्क के अंदर पाए जाते हैं। उन्होंने जो है इन कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक के मुताबिक जो है वो सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है और उसके ऊपर एक थिक वॉल पाई जाती है। उसके बाद रॉबर्ट हुक के काम के ऊपर जो है वो दोबारा 19वीं सेंचुरी के ऊपर काम स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे लॉरेंस ऑकन, जिन्होंने 1805 में जो है वो काम स्टार्ट किया था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इनका कहना था, बल्कि इनका यकीन था कि तमाम लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो पहले से मौजूद सेल्स या वेसिकल्स से ही जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, न्यू जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, इन्होंने 1809 में जो है वो अपना काम बताया था। तो इनके मुताबिक जो है वो कोई भी बॉडी के अंदर लाइफ जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक उनकी बॉडी जो है वो सेलुलर टिश्यू से ना मिलकर बनी हो या उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सेलुलर टिश्यूज के पार्ट्स हैं मौजूद ना हो। उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 में जो है वो काम स्टार्ट किया था और इनके मुताबिक जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। रॉबर्ट ब्राउन की इस डिस्कवरी की वजह से जो रॉबर्ट हुक का आइडिया था कि सेल के अंदर जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है और उसकी बॉडी जो है वो एक थिक वॉल से कवर होती है, तो वो बिल्कुल चेंज हो गया था। हुक का आइडिया जो है वो ये था कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस रखता है, जबकि बाद में जो है ये पब्लिश किया गया कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं होती बल्कि उसके अंदर चार न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दो साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान एंड शिल्डन, तो इन साइंटिस्ट ने जो है सेल थ्योरी डिस्कवर की थी। ये बहुत ही कह लें कि फेमस साइंटिस्ट हैं सेल थ्योरी के हवाले से। जब भी इनका नाम आता है तो माइंड में जो है वो सेल थ्योरी की डिस्कवरी जो है वो फौरन से आ जाती है। तो थियोडोर श्वान जो है ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जबकि शिल्डन जो है ये जर्मन बोटानिस्ट थे। अब दोनों ने जो है वो इंडिपेंडेंटली काम जो है वो किया था और एक थ्योरी बनाई थी, उस थ्योरी को उन्होंने सेल थ्योरी का नाम दिया था। थियोडोर श्वान और शिल्डन के मुताबिक जो है वो सेल जो है वो बेसिक तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियस के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर और आउटर जो है वो थिन कवरिंग होती है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर पाया जाता है, फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। इसके अलावा सेल के ऊपर जो है एक आउटर कवरिंग होती है, यानी जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो थियोडोर और श्वान ने कहा था कि सेल वॉल जो है ये एडिशनल स्ट्रक्चर होती है सेल के ऊपर और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो है वो पाई जाती है। सेल थ्योरी के मुताबिक जो है वो सेल जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है वो देखा गया है। तो डेफिनेशन जो है उन्होंने ये बताया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सेल थ्योरी जो है वो बायोलॉजी में फंडामेंटल है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेल थ्योरी से बाद में बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज हुई कि सेल के अंदर और भी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, जिनकी वजह से बायोलॉजी के अंदर जो है वो सेल के ऊपर स्टडी जो है वो और ज़्यादा वसी होती गई। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं रोडोल्फ विर्चू, इन्होंने 1855 में जो है वो काम स्टार्ट किया था। ये जर्मन फिजिशियन थे
और इन्होंने जो है एक हाइपोथेसिस बनाया था कि न्यू सेल्स जो हैं वो तब ही बन सकते हैं जब पहले से एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स जो है वो मौजूद हो, और पहले से एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स के अंदर डिवीजन हो तब ही जो है वो उनकी डिवीजन से न्यू सेल्स बन सकते हैं। तो विर्चो ने ये अपनी लैंग्वेज में जो है ये कहा था कि ओमने सेलुला ई सेलुला, यानी पहले से मौजूद लिविंग सेल्स की डिवीजन से ही न्यू सेल्स जो हैं वो डिवेल्प होते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है वो एक कॉन्ट्रेरी आइडिया जो है वो दिया था ए बायोजेनेसिस के बारे में। अब ए बायोजेनेसिस जो है वो क्या होती है? तो ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज होती हैं, जबकि रुडोल्फ विर्चो का कहना था कि ये आइडिया बिल्कुल ही उल्ट है, इस तरह जो है वो सेल्स इवॉल्व नहीं हो सकते। उसके बाद लुईस पाश्चर, जिन्होंने 1862 में जो है वो काम स्टार्ट किया था, ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं ऑल ऑफ द टाइम, यानी बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है वो विर्चो की हाइपोथेसिस के लिए जो है वो प्रूफ प्रोवाइड किया था। उन्हें जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जो है वो लिया, उन्होंने जो है वो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही जो है वो उसे बनाया। तो उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ पहले से मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जो है वो डिवेल्प हो सकते हैं, अदरवाइज न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जो ओरिजिनल सेल थ्योरी है और विर्चो हाइपोथेसिस है, उन्होंने जो है वो लिविंग सेल्स की डेफिनेशन बनाने के ऊपर जो है वो बहुत काम किया। तो इस तरह जो है वो लिविंग सेल्स की डेफिनेशन ये बनती है, लिविंग थिंग्स जो है वो केमिकली ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं और बनी भी होती हैं सेल्स से, और रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी रखती हैं, यानी इनके सेल्स के अंदर डिवीजन भी होती है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है अगस्ट वाइजमैन, इन्होंने 1880 के अंदर जो है वो काम स्टार्ट किया था, और इस साइंटिस्ट का कहना था कि जो तमाम प्रेजेंट लिविंग सेल्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है, यानी वो एक ही ओरिजिन से, एक ही उनके बावजूद है उन्हीं से जो है ये सारे डिफरेंट लिविंग सेल्स इवॉल्व हुए हैं, बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद जो है वो देखा भी गया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनकी जो है वो सिमिलर होती हैं सेल्स की, और जो स्ट्रक्चर होती है लिविंग सेल्स की वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। अब उस साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि इनके अंदर डिफरेंस भी जो है वो पाए जाते हैं, तो सेल्स जो हैं बेसिकली सिमिलर होते हैं बट वर्सटाइल होते हैं, उनकी कुछ चीज़ें जो है उनके अंदर सिमिलर होती हैं लेकिन कुछ समटाइम्स जो है उनके अंदर डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। अब सेल जो है वो ना सिर्फ स्ट्रक्चर है बल्कि फंडामेंटल फंक्शन यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद सेल थ्योरी के कुछ जो है वो सेलियंट फीचर्स जो है बताए गए हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ जाता है एफएससी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि सेलियंट फीचर्स जो है वो सेल थ्योरी के कौन से हैं एक्सप्लेन करें। तो तीन जो है वो सेलियंट फीचर्स हैं सेल थ्योरी के, कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक या बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, और तमाम सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है वो इवॉल्व होते हैं। इसी तरह सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है तमाम ऑर्गेनिजम्स का। तो ये था हमारा आज का लेसन।